तो देखो प्यारे बच्चे इस वाले सवाल को देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर आप इसकी बात करोगे इस वाले क्वेश्चन को तो तुम देखोगे यहाँ से कि एक्टिविटी एक्टिविटी ऑफ ए सैम्पल इज़ एन नॉट जब समय जीरो था टाइम टी ज़ीरो था तो जो एक्टिविटी थी दिस इज एक्टिविटी उस एक्टिविटी की जो वैल्यू थी एंड नॉट थी अब जब टी टाइम बाद टी इज टू फाइव मिनट्स बाद जो है

तो यहाँ से n जो है वो एन नॉट अपन ई हो गया तो कितने टाइम बाद ये हुआ है पाँच मिनट बाद तो एन नॉट तो हाफ लाइफ यहाँ से मुझे पता चला गया पाँच कैपिटल डी एन नॉट एन नॉट खत्म हो गया e की पावर माइनस वन यहाँ से आ जाएगा और टू यहाँ से माइनस फाइव अपन टी आ जाएगा अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूँगा नेचुरल लॉग ई की पावर यहाँ से माइनस और यहाँ से लॉग यहाँ से लॉग लॉग हा हा लॉग नेचुरल बेस और यहाँ से टू की पावर माइनस फाइव बाई टू तो मैं अगर दोनों साइड लॉग ले लो तो यहाँ से आ जाएगा माइनस वन और लॉग इ e और e, और यहाँ से माइनस फाइव अपान यहाँ से टी और यहाँ से लॉग ई e, और टू बचेगा तो माइनस माइनस खत्म हो गया और ये वैल्यू लॉग लॉग ए और बेस से ए वन होता है तो ये वन हो गया तो यहाँ से जो हाफ लाइफ आ गया वो आ जाएगा इज हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव तो रेडियो का हाफ लाइफ हो गया अब ये पूछ रहा है अगेन कि कितने टाइम बाद आधा हो जाएगा तो एन नॉट अपन टू होने में यहाँ से एन नॉट इज इक्वल टू वन बाई टू और टाइम टी और हाफ लाइफ यहाँ से पता है ठीक है तो यहाँ से ये यह खत्म हो गया और टू की पावर माइनस वन यहाँ से टू की पावर माइनस टी अपन टी तो माइनस माइनस खत्म हो गया तो टी इज इक्वल टू कैपिटल टी मतलब फाइव लॉग ई टू ठीक है ना तो हाफ लाइफ टाइम के इक्वल आ जा रहा है मतलब इतने टाइम बाद जो है एन इक्वल टू एन नॉट बाई टू हो जाएगा तो अपना जो डी ऑप्शन है वो इसमें से करेक्ट हो जाता है थैंक यू